हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ऑर्किड्स के बारे में बताने वाली हूँ कि इसकी सॉइल कैसे बनानी है। ये जो मेरा ऑर्किड है, ये मैंने करीब 1-1.5 साल पहले लिया था और बड़ी मुश्किल से मैं इसको बचा के लाई हूँ अभी तक। और जब ये मैंने लिया था तो पॉट में लगा हुआ था और नर्सरी वाले ने कुछ अजीब सी मिट्टी बना रखी थी, जैसे हम अपने बगी गमलों की बनाते हैं ना, गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट मिला के सेम। तो मुझे पता नहीं था और इधर उधर से बहुत मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, नहीं मिली। खैर, मेरी एक कोई और फॉरेन फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया। तो अब मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ कि इसके मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिए हैं प्लांट्स और सॉइल कैसे बनाना है जिससे कि ये गर्मियों में, यानी दिल्ली और यूपी गाज़ियाबाद की गर्मी को झेल सके, और केयर कैसे करनी है, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है ऑर्किड और आप देख रहे हैं बिल्कुल सूखी हुई थी। जो इसकी सूखी सूखी जड़ें आपको दिख रही हैं ना, ये ड्राई वाइट सी, इसका मतलब है इसमें पानी की कमी है। ठीक है, तो मैंने जब इसको काटा था तो बिल्कुल सूखा हुआ था, और वापस उसको हाइड्रेट करने के लिए मैंने उसको बिस्लरी के पानी में या आप आरओ के पानी में, मैंने आरओ का पानी एक भगोने में भर के उसमें ये डालियाँ काट काट के डाल दी थी। तो समझिए करीब 1-1.5 घंटे में ये वापस ग्रीन हो गई, दिख रही है ना आपको। अभी मैंने वीडियो बनाने के इनको निकाला, करीब 1-1.5 घंटे से ये बाहर रखी हुई हैं, तो थोड़ी सूखी सी दिख रही हैं आपको, लेकिन ये वापस ग्रीन हो जाएंगी। तो और इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पड़नी है। आप इसे पेड़ों के नीचे रख सकते हैं, जैसे बड़े पेड़ हैं आपके यहाँ आम के, अमरूद के, नींबू के, उनके नीचे रख सकते हैं, तो उसमें से छन छन के धूप आती रहेगी और पेड़ की घनेपन होने के कारण नीचे ह्यूमिडिटी और थोड़ा गर्मी का माहौल बना रहेगा। जब आपको लगे कि ये इसका ऊपर का जो मटेरियल है सूख सा रहा है, तभी आप पानी दीजिए, और पानी देने के लिए पॉट को उठा के भगोने में या किसी चीज़ में 10-15 मिनट के लिए डिप करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे सब रूट्स ये ग्रीन ग्रीन हो गई, तो उनको निकाल के वापस लटका दीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से मेरे ये 1, 2, 3, 4 पौधे ये हैं, बाकी कुछ ग्रीन ग्रीन बच गए हैं, और ये 1-2 सूखी डंडियाँ भी निकली हुई हैं, इनको भी मैं ग्रो करने की कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए जो मैंने मटेरियल लिया है बिल्कुल इजीली अवेलेबल है, जो सबके घरों में हो गई होगा। इसके लिए लिया मैंने लकड़ी का कोयला, जो आप जो भी नर्सरी के पौधे लगाते हैं उसमें कैक्टस और सकुलेंट की, उनके पास ज़रूर होगा ये। और ये टूटे गमले के टुकड़े हैं, आप ये भी लग सकते हैं, या फिर आप ईंट का टुकड़े भी छोटे छोटे ले सकते हैं। इसके साथ लिया मैंने नारियल हस्क, ये नारियल का जो छिलका हम छीलते हैं उसको ही मैंने काट काट के और हाथ से रेशा खींच खींच के बनाया इसको। अब बात आती है पॉट्स की, तो देखिए ये पॉट इसके ऐसे होना चाहिए जिसमें खूब एरिएटेड हो, क्योंकि इन रूट्स को हवा लगते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये प्लांट जो है बड़े पेड़ों की, घने जंगलों में बड़े पेड़ों की डालियों पे उगता है, तो मतलब इसे बहुत एयर मिलती रहती है, मिट्टी में नहीं होता, ये गीली नहीं होती इसकी जड़ें, नहीं तो रूट रॉट हो जाता है। तो ये पॉट मैंने घर पर ही बनाया, वैसे तो यहाँ मिलते नहीं हैं, फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में तो मिल जाते हैं, यहाँ नहीं मिलती, मैंने खुद ही बनाया। छोटा पॉट है, ओल्ड, और इसको मैंने चाकू से गैस पे गरम करके और इससे काटा है, और ये मैंने बड़े वाले कीले से इसमें छेद किए हैं, तो ये परफेक्टली ऑल राइट हो गया। देखिए आप, खूब अच्छे छेद हैं, और इस तरह से आप ये बड़े आसानी से बन सकते हैं। 5-7 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, ठीक है ना, ये देखिए बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल मतलब परेशान ना होएं, या आप इस तरह की टोकरी भी ले सकते हैं, ये इस तरह की जो बास्केट है ये मेरे पास किसी ने कुछ गिफ्ट विफ्ट भेजा था, उसमें थी, कपड़े में लपटी हुई थी, उसका कपड़ा तो मैंने काट के निकाल दिया। ये भी ले रही हूँ क्योंकि उसमें वो लंबी वाली जो स्टिक है वो इसमें लगाऊंगी। तो अब आप मैं को मैं भर के दिखाती हूँ, इसको खूब दबा दबा के नहीं भरना है, बस इसको थोड़ा सा इसको आप लेके पहले कि नीचे इसकी नमी बनी रहे और एरिएशन रहे, रूट्स में हवा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हम ये डालेंगे कोयला, बीच में टुकड़े भी डाल देते हैं, और इसको बस हमको खड़े करना है। तो देखिए बीच में खड़ा करके, और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ क्योंकि ये ना हो नहीं पा रहा मेरे से, कोशिश करती हूँ फिर भी मैं। देखिए इस तरह से इसको दबा देंगे सब तरफ से, इस तरह से इसको बिल्कुल सीधे खड़ा कर देना नहीं है, कुछ दबाना नहीं है, और ये घास उड़ ना जाए इसलिए हम इसके ऊपर थोड़े थोड़े ये लकड़ी इसके टुकड़े रखे दे रहे हैं, है ना। बस हो गया ये हमारा पॉट तैयार, और अब इसमें हम पानी डालते हैं। बस ये इस तरह का छिड़काव हमें
गर्मियों में करना है। अगर ये सूख जाता है पूरा घास वास आपकी, तो दो बार कीजिए दिन में, अदरवाइज एक बार सफिशियंट है ना। और दो तीन दिन में भी हो सकता है वो आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। कहीं पे हिंदुस्तान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है 35 के अबव, यहाँ यूपी साइड तो 40 के अबव हो जाता है। तो इस तरह से इसको करना, ये अब हमारा रेडी हो गया। पानी डालते टाइम ध्यान रखिए कि पानी इसमें ना जाए ऊपर, पानी सिर्फ आपको स्टेम में डालना है, क्योंकि ऊपर पड़ा रहेगा पत्तियों के बीच में तो पानी वहाँ सूखेगा नहीं और आपका प्लांट जो है रॉट होके मर भी सकता है, है? तो पानी डालते टाइम ये ध्यान रखना है। आई होप आपको ये सॉइल बनाने का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।